द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। अब तक हमने देखा कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हम सॉइल के अंदर उसका सीड डालते हैं, सॉइल से हमें वाटर मिनरल्स मिलते हैं और हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। लेकिन क्या कॉन्टिन्यूस प्लांट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स से क्या हमारी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते होंगे? यस, डेफिनेटली दे डेफिशिएंट फ्रॉम द सॉइल। हम कॉन्टिन्यूस अगर क्रॉप्स ग्रो करते रहे तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ना एक टाइम पर आकर वो खत्म हो जाएंगे और तब हमारी जो क्रॉप है, हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। देन व्हाट शुड वी डू? हमें या तो मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा सॉइल के अंदर, जिससे हम उन न्यूट्रिएंट्स को वापस ला सकें। अदरवाइज हमारे पास एक और मेथड है, अगर हम सॉइल को बिना मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किए हुए कैसे न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करें, एंड व्हाट इज दैट रोटेशन? एक बार हम एक प्लांट ग्रो करें जिसके अंदर हम चाहे कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, कोई भी सीरियल ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम एक प्लांट लगाएं लेग्यूमिनस प्लांट, तब क्या होगा? वो लेग्यूमिनस प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को एब्जॉर्ब करके, जो राइजोबियम बैक्टीरियम उसके अंदर रहता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल फॉर्म में और हमारे प्लांट को प्रोवाइड कराता है, हमारे प्लांट जो है प्रोटीन देते हैं। तब जब हम उस क्रॉप को कट करते हैं तो सॉइल, उस जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर ही रह जाती है, और जो रूट्स के अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने हुए हैं वो भी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब हम इस सॉइल के अंदर फिर से कोई और फ्रूट या वेजिटेबल की क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो नाइट्रोजन जो हमारी रूट्स के अंदर प्रेजेंट था वो अभी भी हमारी सॉइल के अंदर होता है, और ये अब हमारी सॉइल को बहुत एनरिच कर देता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तब हम बिना फर्टिलाइजर या मैन्योर को डाले हुए अपनी सॉइल से नेक्स्ट क्रॉप को अच्छी ग्रोथ से ग्रो कर सकते हैं। नाउ इन द लास्ट ऑफ दिस लेसन हम एक लास्ट बात करते हैं कि क्या हमारे जितने भी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, हमने जैसे कि इस लेसन में डिवाइड किया सब कुछ, या तो ऑटोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स है। हमारे ग्रीन प्लांट्स, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सब फूड नहीं बना सकते और इसीलिए वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और इसीलिए फोटोसिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तब क्या हम ह्यूमन बीइंग भी हेटरोट्रॉप्स हैं? यस, वी ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स and depend on the food produced by the plants so that we can survive on this earth.